तो गाइस मेरे पास एक गाड़ी आती है, वो भी बाइक, जो कि किड्स की है। लेकिन बट सबसे अमेजिंग बात यह है, अलर्ट जैसे नॉर्मल बाइक जो होती है, जो नॉर्मल जो बाइक होती है वैसी बाइक होती है, बट ये थोड़ी अलग है। ये बच्चों के लिए है, डिजाइन करी थी, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या नाम है यहाँ पे। हम ये पूरी की पूरी डैमेज है और बहुत ही ज़्यादा ख़त्म बाइक है, मतलब एकदम डैमेज है। तो मैं सोचता हूँ इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये ऑर्डर में आई हुई होती है, तो मैं इसको खोलने लग जाता हूँ। चलो नोटबुक खोलते हैं, इसके जितना भी जितने भी तामझाम होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, सब कुछ खोलते हैं हम लोग इसके, ठीक है। खोलते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पुरानी बाइक है और भी ज़्यादा डैमेज बाइक है, ठीक है। और इंजन तो ख़त्म ही था बिल्कुल एकदम, जब मैंने इसका इंजन देखा तो डर गया था मैं। अरे क्या क्या बाइक है ये, सच्ची में बाइक ही है ना, कि कितना ख़त्म इंजन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हम बाइक को रिपेयर करते हैं अच्छी तरीके से, इसके नट्स बोल्ट जितने भी बाइक होते हैं वो सारे हम लोग खोलने लग जाते हैं। जो उसकी जो वीडियो क्रेडिट है, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, जिसको जो वीडियो क्रेडिट है ये इसी बंदे को जाता है, मैं इसमें सिर्फ वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आप गाड़ी से रिपेयरिंग वीडियो देखना चाहते हो कि गाड़ी का रिपेयर कैसे करते हैं, या फिर बाइक का रिपेयर कैसे करते हैं, और लकड़ से कार बाइक या फिर कैसे बनाई जाती है, अगर आप सीखना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। और फेसबुक पेज में भी वीडियो डाल दूंगा मैं, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो उस पर भी डालते रहता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कुलू बिल्कुल इंजन खोने लग जाता है इसके अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि डैमेज भी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज बाइक है। अगर इसको हम ज़्यादा जान से लगाएंगे, ज़्यादा खोलेंगे जान लगाकर, तो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है कुछ भी पार्ट। वो डैमेज हो गया तो पूरी की पूरी बाइक की धन्नो लग जाएगी गाइस, मतलब धन्नो मतलब समझ लो पूरा डैमेज हो जाएगा यार, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज है, तो सेंसिटिव बाइक है, तो ध्यान से खोलना चाहिए। तो एक पार्ट में ध्यान से खोलता हूँ, स्टीयरिंग भी लोग गया, इसका ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, और इसका इंजन भी बहुत तरीके से खोलता हूँ, ध्यान से खोलता एकदम इंजन, क्योंकि सबसे मेन तो इंजन ही, अगर इंजन की बात लग गई तो इंजन गाड़ी गई, गाड़ी खत्म, सब कुछ खत्म, एकदम से दुनिया पलट जाएगी, एकदम से तोड़ जाएगी, अगर मैंने गाड़ी का इंजन नहीं सही तरीके से नहीं खोला, तो समझ सकते हो सबसे मेन, क्योंकि इंजन ही होता है यार, सबसे मेन इंसान का हार्ट होता है, अगर हार्ट ही ब्रेक हो जाए तो क्या चलेगा फिर इंसान, है ना। तो वैसे भी गाड़ी यार, गाड़ी का इंजन अगर खराब है, उसको रिपेयर अगर हम सही से नहीं करें, तो ऑर्डर पे जो बाइक हमारे पास आई है, हम इसको ऑर्डर पे दोबारा हम देंगे, तो वो क्या करेगा, बेकार कर देगा, मतलब बेकार बात ही से देगा कि क्या रिपेयर कर रहा है, अपने अपने क्या काम कर दो। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं इंजन में टाइम लगाता हूँ, इंजन को रिपेयर करता हूँ, इंजन को अच्छी तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सबसे मेन जो है मेरा इंजन में फोकस रहता है, इसलिए मैं सबसे मेन इंजन में फोकस करता हूँ गाइस, ताकि जो मेरी बाइक है वो अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाए और अच्छी तरीके से बन जाए और अच्छी तरीके से बिक सके। क्योंकि नई नई चीज़ें हमारे पास आती रहती है, नए नए तरीके से इंजन आते रहते हैं, कोई इंजन ज़्यादा बेकार होता है तो कोई इंजन सही होता है, तो सबसे मेन जो पार्ट होता है वो इंजन ही होता है गाइस। अगर बाइक का इंजन एकदम सही है तो बाइक धमाकेदार चलेगी, तो निंजा कावासाकी भी ले लो, हयाबुसा ले लो, इनके जो इंजन होते हैं बहुत ही अमेजिंग इंजन होते हैं। तो मेरा ड्रीम बाइक है ये, तो मैं लेना चाहता हूँ निंजा कावासाकी, हयाबुसा लूँगा, पक्का लूँगा, यूट्यूब पर बैठा ही है, फेसबुक पर है, तो आप सबका सपोर्ट भी हो तो ले लेंगे यार, आने टाइम पर धीरे 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 धीरे, माशाल्लाह क्या दे रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो इंजन हमने खोल ही दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, खोल दिया क्या इंजन एक पार्ट खोल दिया अच्छी तरीके से खोला है, ठीक है। तो एकदम एक बात सोचो यार, अगर एक इंजन इतना बेकार है इंजन, तो अगर इंजन को हम सही तरीके से नहीं खोलेंगे, उसमें एक पार्ट अगर नहीं सही तरीके से खोलेंगे, बाइक एक पार्ट अगर अच्छी तरीके से नहीं खोलेंगे ना गाइस, तो क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं अगर नट बोल्ट टूट गया ना एकदम, तो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो इंजन सबसे ज़रूरी है, इंजन को सही तरीके से खोलना। तो इंजन खोलने के बाद हम लोग इसको शैम्पू से वॉश करते हैं, शैम्पू से ब्रश से अच्छी तरीके डट्स निकाल लेता हूँ मैं इसके, ठीक है, अच्छी तरीके से डट्स निकाल लेता है ये बंदा, बिल्कुल अच्छी तरीके से डट्स निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद जो बाइक है वो और भी शानदार लगती है, और भी इंजन का जो बेकार हो चुका है, जो भी पार्ट डैमेज था इसके, जितने भी पार्ट डैमेज हो चुके थे इसके अंदर, सारा का सारा मैं खोल के दोबारा कैसे डालता हूँ, दोबारा लगाता हूँ, ताकि जो मेरा इंजन है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। क्योंकि इंजन खोलना तो बहुत ईजी है, इंजन को दोबारा उसी तरीके से फिट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है गाइस, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है अगर आप एक पार्ट अच्छी तरीके से नहीं खोलोगे तो, ठीक है। तो इंजन के दोनों पार्ट्स खोलकर दोबारा मैं रिपेयर कर रहा हूँ, गम लगा रहा हूँ उसके अंदर, ताकि जो इंजन है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए, अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए, और दोबारा जो मेरी क्लाइंट है जिसके पास बाइक जाने वाली है ऑर्डर के लिए, तो वो भी हैप्पी होए, ताकि क्या बात है, क्या इंजन रिपेयर किया इस बंदे ने, इसके पास दोबारा काम आएगा, क्योंकि काम जो चीज़ दिखेगी नहीं वो चीज़ बिकेगी नहीं, साफ सीधी बात है। तो अपना काम को अच्छी तरीके से करो, इतनी अच्छी तरीके से करना चाहिए, चाहे कोई भी काम होगा,
वो अच्छी तरीके से करना चाहिए। ओबे मार्क्स। सो गाइस, मेरे पास एक गाड़ी आती है, वो भी बाइक, जो कि किड्स की है, लेकिन बट सबसे अमेजिंग बात यह है ये अलर्ट, जैसे नॉर्मल बाइक जो होती है, जो नॉर्मल बाइक होती है वैसी बाइक होती है, बट ये थोड़ी अलग है, ये बच्चों के लिए है, डिजाइन करी थी। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या नाम है यहाँ पे। हम ये पूरी की पूरी डैमेज है और बहुत ही ज़्यादा ख़त्म बाइक है, मतलब एकदम डैमेज है। तो मैं सोचता हूँ इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये ऑर्डर में आई हुई होती है, तो मैं इसको खोलने लग जाता हूँ। चलो बस खोलते हैं, इसके जितना भी जितने भी ताम झाम होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, सब कुछ खोलते हैं हम लोग इसके। ठीक है, खोलते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पुरानी बाइक है और भी ज़्यादा डैमेज बाइक है। ठीक है, और इंजन तो ख़त्म ही था बिल्कुल एकदम, जब मैंने इसका इंजन देखा तो डर गया था मैं। अरे क्या क्या बाइक है ये सच्ची में बाइक ही है ना, कि कितना ख़त्म इंजन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम बाइक को रिपेयर करते हैं अच्छी तरीके से, इसके नट्स बोल जितने भी बाइक जो होते हैं वो सारे हम लोग खोलने लग जाते हैं। जो उसकी जो वीडियो क्रेडिट है, मैं सबसे पहले बात बोलना चाहूँगा, जिसको जो वीडियो क्रेडिट है ये इसी बंदे को जाता है, मैं इसमें सिर्फ वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आप गाड़ी से रिपेयरिंग वीडियो देखना चाहते हो कि गाड़ी का रिपेयर कैसे करते हैं या फिर बाइक का रिपेयर कैसे करते हैं, और लक्कड़ से कार बाइक या फिर कैसे बनाई जाती है, अगर आप सीखना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, और फेसबुक पेज में भी वीडियो डाल दूंगा मैं, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। ठीक है, तो उस पर भी डालते रहता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल इंजन खोलने लग जाता है इसके अच्छी तरीके से। ठीक है, ताकि डैमेज भी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज बाइक है, अगर इसको हम ज़्यादा जान से लगाएंगे, ज़्यादा खोलेंगे जान लगाकर, तो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है कुछ भी पार्ट, वो डैमेज हो गया तो पूरी की पूरी बाइक की धन्नो लग जाएगी गाइस, मतलब धन्नो मतलब समझ लो पूरा डैमेज हो जाएगा यार, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज है, तो सेंसिटिव बाइक है, तो ध्यान से खोलना चाहिए। तो एक एक पार्ट में ध्यान से खोलता हूँ, स्टीयरिंग व्हील हो गया, इसका ब्रेक हो गया, इसका क्लच हो गया, और इसका इंजन भी बहुत तरीके से खोलता हूँ, ध्यान से खोलता एकदम इंजन, क्योंकि सबसे मेन तो इंजन ही, अगर इंजन की वाट लग गई तो इंजन गाड़ी गई, गाड़ी खत्म, सब कुछ खत्म, एकदम से दुनिया पलट जाएगी, रस्ता तोड़ जाएगी, अगर मैंने गाड़ी का इंजन नहीं सही तरीके से नहीं खोला, तो समझ सकते हो सबसे मेन, क्योंकि इंजन ही होता है यार सबसे मेन, इंसान का हार्ट होता है, अगर हार्ट ही ब्रेक हो जाए तो क्या चलेगा फिर इंसान, है ना। तो वैसे भी गाड़ी यार, गाड़ी का इंजन अगर ख़राब है, उसको रिपेयर अगर हम सही से नहीं करें, तो ऑर्डर पे जो बाइक हमारे पास आई है, हम इसको ऑर्डर पे दोबारा हम देंगे, तो वो क्या करेगा, बेकार कर देगा, मतलब बेकार वापिस दे देगा कि क्या रिपेयर करें, अपने अपने क्या काम कर दो। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं इंजन में टाइम लगाता हूँ, इंजन को रिपेयर करता हूँ, इंजन को अच्छी तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सबसे मेन जो है मेरा इंजन में फोकस रहता है,